जब प्रकृति अपना कहर बरपाती है तो हर इंसानी ताकत उसके सामने झुक जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे तूफान की जो सिर्फ नेचर की ताकत को नहीं दिखाता बल्कि ये हमें समझाता है कि इंसान अभी भी नेचर के सामने कितना बौना है। आप देख रहे हैं स्पेस स्टोरीज और आज हम बात करेंगे बंगाल साइक्लोन की। कुछ दिन पहले बे ऑफ बंगाल में कुछ अजीब हो रहा था, एक लो प्रेशर सिस्टम का जन्म हो रहा था लेकिन किसी को इसकी असली ताकत का पता नहीं था। एक ही दिन में ये एक भयानक तूफान साइक्लोन में बदल गया जिसे हम आज साइक्लोन के नाम से जानते हैं। आपने सुना तो जरूर होगा साइक्लोन के बारे में, तो चलो हम बताते हैं आसान लैंग्वेज में। साइक्लोन एक ऐसी नेचुरल घटना है जिसमें हवा का घेरा ऐसे घूमता है जैसे आप नहाते टाइम अपनी बाल्टी में हाथ डालकर पानी घुमाते हैं। इस साइक्लोन के अंदर की हवा और बरसात की ताकत मिलकर पूरी दुनिया को अपने रास्ते से हटा सकती है। और ये साइक्लोन सबसे खतरनाक तब होता है जब ये पानी के गर्म प्लेस पर बनता है, तब तो इसके अंदर की ताकत और भी पावरफुल हो जाती है। अब बात करते हैं आखिर भारत में कैसे तबाही मचा दी इस साइक्लोन ने। बंगाल का सफर शुरू होता है बंगाल के एरिया से। शुरुआत में लोगों को कुछ ज्यादा दिखाई दे नहीं रहा था, उन्होंने सोचा शायद एक नॉर्मल बादल है, लेकिन कुछ ही घंटों में इसने अपनी असली ताकत दिखा दी। जल्दी इसकी हवा की अप्रोक्स स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा बढ़ गई और सभी को पता चल गया कि ये अब एक महातूफान बन चुका है जिसके कहर से बचना मुश्किल है। जैसे ही बंगाल साइक्लोन ने तमिलनाडु के इलाकों को अपना घेरा बनाया, वहां के लोगों की जिंदगी का सफर बदल गया। कुडालोर, चेन्नई, नागापट्टिनम सब कुछ बर्बाद हो गया। जिंदगी का हर पहलू छुप गया, जैसे बारिश ने पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट लिया हो। घर टूटे, पेड़ गिरे और लोग बेचारे बेबस होकर अपनी बर्बादी देख रहे थे। बंगाल का इम्पैक्ट सिर्फ एक शहर या नगर तक लिमिटेड नहीं था, इससे पूरा कोस्टलाइन हिल गया, हर जगह पानी भर गया और सब कुछ जैसे रुक गया। तो आखिर ऐसे तूफान क्यों आते हैं? इसका जवाब हमारी अपनी अर्थ के इकोसिस्टम में छुपा है। गर्म समुद्री पानी, बदलते हुए मौसम के पैटर्न और दुनिया में हो रही तब्दीली, ये सब कुछ मिलकर तूफान का जन्म करते हैं। और क्लाइमेट चेंज के चलते ऐसे तूफान और भी बढ़ रहे हैं। अब आप खुद ही देखें, नवंबर तक नॉर्थ इंडियन के कुछ लोग पंखा चलाकर रहते हैं। यही है ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआत। जब ऐसे तूफान आते हैं तो सरकार का काम और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो भी सिर्फ इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं, भगवान की भेजी हुई आफत को नहीं। फिर भी तमिलनाडु और पुडुचेरी की सरकार ने इमीडिएटली इमरजेंसी मेजर्स लेना शुरू कर दिए। एनडीआरएफ को तैयार किया गया और लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए कैंपस बनाए गए। लेकिन क्या ये काफी था? क्या हम किसी भी नेचुरल डिजास्टर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। जितना भी हम तैयार हो सकते हैं, ये सब किसी भी टाइम बदल सकता है। बंगाल ने हमें दिखाया कि प्रकृति की ताकत के सामने सब कुछ बेकार है। अब आइए बात करते हैं बंगाल साइक्लोन की आखिरी हालत की। साइक्लोन अब धीरे धीरे अपनी ताकत खोता जा रहा है, लेकिन जो भी तबाही इसने मचाई है उसका असर कई दिन तक दिखेगा। तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ इलाके अभी भी बिजली और पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। सरकार ने अब तक 1,00,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया है। रिलीफ कैंप में राशन और मेडिसिन का बंदोबस्त किया गया, लेकिन अब भी कई लोग मदद के इंतजार में है। दोस्तों, बंगाल साइक्लोन सिर्फ एक तूफान नहीं था, ये एक वेकअप कॉल थी, एक चेतावनी कि अगर हमने नेचर के साथ हार्मोनियसली जीना नहीं सीखा तो डिजास्टर और भी ज्यादा होने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज सिर्फ किताबों की बातें नहीं बल्कि ये हमारी डेली जिंदगी को बदल कर रख देंगे। लेकिन उम्मीद है आप और हम मिलकर इस दुनिया को बचाने के लिए छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन, लेस पॉल्यूशन और इको फ्रेंडली प्रैक्टिस को अपना कर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल स्पेस स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। जल्दी हम एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ वापस आएंगे, तब तक के लिए ध्यान रखें और प्रकृति का सम्मान करें।